गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मटेरियल मिक्स्ड टॉपिक जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो और साथ में लेवल ऑफ स्टॉक भी कैलकुलेट करना हो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ भी आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए, ए कंपनी यूजेज 5120 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट इन ए ईयर। याद रखिएगा इन ए ईयर, एक साल में 5120 कंपोनेंट यूज किया जाता है। ये हो गया आपका एनुअल रिक्वायरमेंट या डिमांड। परचेज प्राइस 5 रुपया है, कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट मिला के 20% है। तो कैरिंग मतलब सी आपका हो गया 5 रुपया का 20%, दैट इज 1 रुपया। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर प्रोसेसिंग 10 रुपया। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 10 रुपया है, तो ये हो गया आपका ओ। तो एनुअल कंजम्पशन मिला 5120, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपया और कैरिंग कॉस्ट 5 का 20% 1 रुपया। क्वेश्चन दे रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर। ओके, तो दो चीज निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर। क्लियर। उसके बाद यहीं पे देखिए बी नंबर में बोला है एज्यूमिंग दैट एवरेज डेली कंजम्पशन इज 14 यूनिट्स। ये डेली कंजम्पशन दिया हुआ है। लीड टाइम इज 15 डेज। ओके, रीऑर्डर लेवल निकालना है, सेफ्टी स्टॉक चाहिए, सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है 25 दिन का कंजम्पशन। तो 25 दिन का कंजम्पशन लेंगे 14 यूनिट्स करके तो सेफ्टी स्टॉक होगा, लीड टाइम कंजम्पशन लेंगे 14 यूनिट्स करके 15 दिन का, दोनों प्लस कर देंगे तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन, पहला पोर्शन ईओक्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर है और दूसरा पोर्शन लेवल ऑफ स्टॉक का रीऑर्डर लेवल हुआ। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, दैट इज आपका ईओक्यू। इसका फॉर्मूला दिए रूट अंडर 2AO/C, वेयर ए इक्वल टू एनुअल यूजेज कंजम्पशन या डिमांड, जो बोलिए। एनुअल यूजेज है आपका 5120 यूनिट्स, ओ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका दिया हुआ था 10 रुपया, प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर। सी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, इसको हम लोग कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग के हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपया था, यही दिखा देते हैं, ₹5, 20%। आप पहले इतना देख लो, एनुअल कंजम्पशन 5120, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए 10 रुपया, मेन होता है कैरिंग, 20% है 5 रुपया का। क्लियर है। इसको लाके फिलअप करते हैं, 2 × 5120 × 10 रुपया और डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 2 × 5120 × 10 रुपया डिवाइडेड बाई 1, रूट देने से आंसर आ गया आपका 320 यूनिट्स। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 × 5120 × 10 डिवाइडेड बाई 1, रूट दिए 320। ये हो गया हम लोग का ईओक्यू। यहीं पे नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा गया है इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर
ए को ईओक्यू से डिवाइड कर देना है। ए रिप्रेजेंट्स फॉर एनुअल यूजेज 5120, ईओक्यू अभी अभी निकला था 320, 5120 डिवाइडेड बाय 320, ये रिजल्ट आ गया आपका 16 ऑर्डर्स। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। ईओक्यू निकालिए, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ईओक्यू आ जाने से नंबर ऑफ ऑर्डर इजी हो जाता है, ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू। क्लियर है? अब बी नंबर में देखिए, एवरेज डेली कंजम्पशन 14 यूनिट्स है, लीड टाइम 15 दिन है, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, सेफ्टी स्टॉक 25 डे है। ओके, तो चलिए रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देते हैं। पहले रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला इज सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, सेफ्टी स्टॉक आपको 25 दिन का चाहिए 14 यूनिट करके, और लीड टाइम 15 दिन का चाहिए आपको 14 यूनिट करके। ओके, तो 25 दिन का 14 यूनिट करके चाहिए, तो ये होगा आपको 350, अब प्लस 15 दिन का 14 यूनिट करके चाहिए तो ये होगा आपको 210, कुल मिला दीजिए 560 यूनिट्स। ओके, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला चेंज हो गया, सेफ्टी स्टॉक और लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक 25 दिन, लीड टाइम 15 दिन, डेली कंजम्पशन 14 दिया हुआ था, जस्ट सोल्व किए 560। ओके, क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।